अमेरिका की डेथ वैली दे विच अपने आप चलन वाले पत्थरां तो लेके ते थाईलैंड की मकोंग रिवर दे विचों निकलन वाले अग दे गोलियां दी कहानी नूं सुलझाउण दे लई साइंटिस्ट अते एक्सपर्ट ने अपनियां नींदां उड़ा लईआं सन। इस दुनिया दे विच किते ना किते हर समय बहुत सारियां अजिहियां घटनावां हुंदियां रहिंदियां ने जिन्हां नूं देख के इंसान दा दिमाग हैरान रह जांदा है ते उन्हां घटनावां नूं साडा दिमाग मन्नण तों ना कर दिंदा है ते साडे दिमाग दा इही रिएक्शन सानूं वार-वार सोचण दे लई मजबूर करदा है कि जेकर अजिहा होइआ है तां होइआ किवें है। अज दी इस वीडियो दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे धरती के उपर होने वाली कुछ अजिहियां गतिविधियां बारे जिन्हां साइंटिस्ट ने जां तां हल कर लिया है जां वो उन्हां दी पहुंच तो हजे भी काफी ज्यादा दूर हैं। सो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। जेकर तुसीं साडे नाल कोई राबता करना चाहुंदे हो तां साडे इंस्टाग्राम पेज जो टीवी ऑफिशियल दे उपर जाके सानूं मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक असीं वीडियो दी डिस्क्रिप्शन दे विच पाया है। नंबर एक दे उपर है फ्रोजन बबल लेक। कनेडा दे सोहणे पहाड़ां दे विचकार ए अब्राहम लेक 28 किलोमीटर विच फैली हुई है ते सर्दियां दे मौसम दे विच ए लेक पूरी तरह दे नाल जम जांदी है। पर इस लेक दे फ्रोजन होण दे नाल ही इस विच बहुत वड्डे वड्डे आकार दे बबल जड़ के बुलबुले बन जाते हैं। यह बबल जाने के बुलबुले आसानी दे नाल ब्लू आइस दे विच देखे जा सकते हैं ते इस नूं देखण दे लई हर साल सर्दियां दे विच इत्थे लखां टूरिस्ट आउंदे ने। देखण दे विच तां इह बुलबुले बहुत ज्यादा सोहणे लगदे ने पर जेकर कोई इन्हां बुलबुलिआं दे नेड़े इक हल्की जी अग नूं भी कर देवे तां इह लेक बहुत वड्डे धमाके दे नाल फट जावेगी। पर अजिहा क्यों होवेगा ते बबल इस लेक दे विच क्यों ते किवें बणदे ने ते बबल दे कारण इह लेक इन्नी ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाती है। रिसर्च करन वालिआं दा मनणा है कि इह बबल जाने के बुलबुले मथेन गैस दे बने हुंदे हन। इह खतरनाक गैस लेक दे अंदर मौजूद गले सड़े पौदियां दे विचों निकलदी है ते जदों सर्दियां दे विच लेक दा पानी जम जांदा है तां इह गैस बबल जाने के बुलबुलिआं दे विच जम जांदी है। इस करके जेकर लेक दे कोल थोड़ी जी अग कीती जावे तां इह 28 किलोमीटर दे विच फैली हुई लेक इक धमाके दे नाल फट जावेगी। नंबर 2 ते है जी सैलिंग स्टोन। अमेरिका दी डेथ वैली दे विच इक अजीबो गरीब नजारा देखिया गया है। इस वैली दे विच धरती दे उपर जिहड़े पत्थर पए ने उहनां दा इक ट्रेल बणिआ होइआ है अते देखण नूं इस तरहां लगदा है कि जिवें इहनां पत्थरां नूं इक जगह तों दूजी जगह ते घड़ीस के लिजाया गया है। पर लोकां दी हैरानी दी हद तां उदों वध गई जदों लोकां ने कुझ अजिहे पत्थर भी देखे जिहड़े कि 300 केजी जाने कि 300 किलोग्राम दे सन जिन्हां नूं कोई हिला भी नहीं सकदा सी ते इह पत्थरां नूं किवें इन्नी दूर तक घड़ीसिआ गया ते फिर सवाल इह उठिआ कि बिल्कुल समतल जमीन दे उपर इन्ने वड्डे आकार दे पत्थर इक जगह तों दूजी जगह ते अपने आप किवें चले गए। जेकर इह पत्थरां नूं किसे ने घड़ीस के इक जगह तों दूजी जगह कीता सी तां उह लोकां दे पैरां दे निशान इत्थे क्यों नहीं हन। जदों लोकां नूं अपने इन्हां सवालां दा कोई ठोस जवाब ना मिलिआ तां उहनां ने इस डैथ वैली दे बारे मनगढ़ंत कहानियां बणाउणियां शुरू कर दित्तियां ते फिर इह मन्निआ जाण लग्गिआ कि इह बंजर जमीन दे उपर भूत अते आत्मावां रहिंदियां ने जिहड़ियां इन्हां पत्थरां नूं इक जगह तों दूजी जगह ते कर दिंदियां ने। साइंटिस्टां दे इक ग्रुप ने इत्थे कई सालां तक रिसर्च कीती ते आखिरकार उहनां ने इस पहेली दा हल लभ लिआ। साल 2001 दे विच कैलिफोर्निया यूनीवर्सिटी दे नाल संबंधित बेलो लुइस अते रिचर्ड नॉरिस ने इस डैथ वैली दे विच कुझ भारी पत्थर लिआ के रखे ते हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरिआं दी मदद दे नाल उह इन्हां पत्थरां नूं दूर तों देखण लगे। 2001 दे विच डैथ वैली दे विच रखे उहनां दे पत्थर 12 सालां तक बिल्कुल भी नहीं हिले। पर 2013 दे विच इन्हां ने एक चीज नोटिस कीती कि पत्थर अपने आप अपनी जगह बदल रहे ने ते उह अपने पिछे एक ट्रेल नूं बना रहे हन ते रिचर्ड नॉरिस ने इस पहेली नूं हल करदे हुए दस्सिआ कि पत्थरां दे अपने आप चलण दा कारण बारिश यानी कि मींह है, खास करके उह बारिश जिहड़ी सर्दियां दे विच हुंदी है। उहनां ने दस्सिआ कि जदों सर्दियां दे विच डैथ वैली दे विच बारिश हुंदी है तां रात नूं ज्यादा ठंड होण दे कारण उह पानी जम के तह बन जांदी है। इह बर्फ दी तह पानी दे उपर तैरदी रहिंदी है ते जदों तेज़ हवावां चलदियां ने उहनां दे नाल इह बर्फ दी लेयर खिसकण लगदी है। जदों तेज़ हवावां दे नाल इह बर्फ दी लेयर इत्थे पए पत्थरां दे नाल टकराउंदी है तां इह उहनां नूं हिला दिंदी है क्योंकि इस दा वजन पत्थरां दे नालों किते ज्यादा हुंदा है। इस करके पत्थर इक जगह तों दूजी जगह ते खिसक जांदे हन ते जदों इत्थों दा पानी भाफ बन के उड जांदा है तां सानूं अजिहा नज़ारा देखण नूं मिलदा है। नंबर 3 दे उपर है जी हिडन बीच। मैक्सीको दे समुंदर तट तों 7 किलोमीटर दी दूरी ते समुंदर दे विचकार इक छोटा जिहा आईलैंड है जिहड़ा कि मरेटा आईलैंड दे नाम नाल जाणिआ जांदा है। पर इह सब तों वध मशहूर इत्थे हिडन बीच दे कारण है जिथे सधारण बीच दे उपर दूर दूर तक पानी दिखाई दिंदा है उत्थे इस बीच दे उपर अजिहा नहीं है। इह बीच आईलैंड दे विचकार इक टोए दे विच बणिआ होइआ है ते चारे पासे तों हरियाली दे नाल घिरिआ होइआ है। सधारण बीच दी तरह इस बीच दे उपर पानी दीआं लहिरां भी बणदीआं ने ते इत्थे बीच सैंड यानी कि समुद्री रेता भी मौजूद है। ते हुण सवाल इह उठदा है कि 7 किलोमीटर समुंदर तों दूर इक आईलैंड दे बिल्कुल विचकार इह बीच किस तरह बणिआ। इस दा कारण इह है कि सन 1900 दे विच मैक्सीको दी आर्मी अपने बंबां दी टेस्टिंग आले दुआले दे आईलैंड दे उपर करदी सी ते अपने इक बहुत वड्डे बंब दा टेस्ट उहनां ने इस आईलैंड दे विच भी कीता सी जिस दे कारण इत्थे जमीन दे विच इक टोआ बण गिआ सी ते इह टोआ अंदरों अंदरी समुंदर दे नाल जा मिलिआ जिस दे कारण इस दे विच पानी भर गिआ क्योंकि इह जगह सी लेवल तों उपर सी इस लई पानी इस टोए तक ही भर सकिआ। नंबर 4 दे उपर है जी नागा फायरवॉल्स। थाईलैंड दे विचों निकलण वाली मकोंग नदी 12वीं दुनिया दी सब तों वड्डी नदी है। इस दी टोटल लंबाई 4900 किलोमीटर है। इह नदी चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड अते वियतनाम देशां दे विच दी लंघदी है। इस नदी दा उह पार्ट जिहड़ा थाईलैंड दी फोन फसाई हिस्से दे विच दी लंघदा है उत्थे हर साल इक वक्खरा नज़ारा देखण नूं मिलदा है जिस दे उपर यकीन करना मुश्किल है।
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬਾਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਬਾਲਸ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬਾਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ITV ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਟੈਂਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ITV ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਕੋਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਾਇਰ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ITV ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਸ਼ਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ TV ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ Facebook ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ TV ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।